हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिश टीवी के एक एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स, जिसको हम डिश स्मार्ट हब के नाम से भी जानते हैं, जानेंगे कि इस एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स से अगर मुझे कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करनी है तो कौन से प्रोसीजर मुझे फॉलो करने होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब ब्लूटूथ डिवाइस मुझे पेयर करने के लिए रिमोट से होम बटन प्रेस करना पड़ेगा और मैं सेटिंग के ऑप्शन में आता हूँ, रिमोट से ओके बटन प्रेस करता हूँ। यहां पे मुझे एंड्रॉइड सेटिंग के ऑप्शन में आना है, ओके बटन प्रेस करना है। मैं आऊंगा यहां पे रिमोट एंड एसेसरीज के ऑप्शन में। यहां पर मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, रिमोट एंड एसेसरीज में ऐड एसेसरीज या B12 कनेक्टेड। B12 कनेक्टेड यानी जो रिमोट में यूज कर रहा हूं वो इससे कनेक्टेड है। ऐड एसेसरीज मुझे करनी है तो ऐड एसेसरीज पे जाके मैं रिमोट से ओके बटन प्रेस करता हूं और आप देखेंगे ये एसेसरीज के लिए सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं जो डिवाइस यहां पे पेयर करना चाहता हूं, MI नेकबैंड प्रो, वो यहां पे सर्च कर लिया है। मैं पेयर करने के लिए रिमोट से ओके बटन प्रेस करता हूं, आप देखेंगे ये पेयरिंग हो रहा है। और अब यहां पर इसने पेयर के बारे में पूछा है तो मैं रिमोट से ओके बटन प्रेस करता हूं और ये पेयर्ड हो गया है, यानी मेरा MI नेकबैंड प्रो ब्लूटूथ डिवाइस इस एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स के साथ पेयर हो चुका है। तो इस प्रोसेसर को फॉलो करके मैं ब्लूटूथ डिवाइस को एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स के साथ पेयर कर सकता हूं। थैंक यू सो मच।